ये देखिए दोस्तों, त्योहारों की जान सोन पापड़ी बनकर तैयार है। अब छोड़िए मार्केट की मिलावटी मिठाई खाना और घर पर ही बनाइए बहुत ही डिलीशियस और लच्छेदार सोन पापड़ी। इस सोन पापड़ी को देखकर मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि इतनी अच्छी सोन पापड़ी मैंने बना के तैयार की है। क्या कोई इस सोन पापड़ी को देखकर कह सकता है कि ये मार्केट से नहीं बल्कि घर पर बनाई गई सोन पापड़ी है? नमस्कार दोस्तों, रेखा सिरा किचन में आपका स्वागत है। आज हम मुंह में घुल जाने वाली मिठाई बनाएंगे, यानी कि सोन पापड़ी बनाएंगे। तो आइए सोन पापड़ी बनाना शुरू करते हैं। सोन पापड़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 कटोरी बेसन लिया है। और 1 कटोरी मैदा लिया है। अब सोन पापड़ी बनाने के लिए बेसन को भून लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी से थोड़ा कम घी लिया है। अब इसको हम पैन में डाल देंगे। घी अच्छे से मेल्ट हो गया है, अब हम बेसन को डाल देंगे। अब मैदा को भी इसी में मिक्स कर देंगे। अब दोनों को लगातार चलाते हुए अच्छे से मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। बेसन ने यहाँ पे सारा घी एब्जॉर्ब कर लिया है। बेसन और मैदा अच्छे से भून चुके हैं, अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक प्लेट ली है, प्लेट के ऊपर चलनी रख दिया है। अब चलनी में बेसन और मैदा के मिश्रण को डालेंगे और चलनी में से इसको छान लेंगे ताकि बेसन और मैदा हमारा इकसार हो जाए। बेसन और मैदा को मैंने अच्छे से छान लिया है। अब हम फटाफट चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैं यहाँ पे 2 कटोरी चीनी ले रही हूँ। 2 कटोरी चीनी के अंदर 1 कटोरी पानी डालेंगे। अब चीनी को लगातार चलाते हुए मेल्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम परफेक्ट चाशनी बना के तैयार करेंगे, क्योंकि सोन पापड़ी के अंदर जितना भी रोल होता है वो चाशनी का ही होता है। अगर चाशनी हमारी परफेक्ट बन के तैयार है, सोन पापड़ी बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। चाशनी के अंदर 1 चम्मच नींबू का रस डाल रही हूँ। आपके पास जो भी खट्टापन हो वो आप इसमें डाल सकते हो। अब हम चाशनी को चेक कर लेते हैं। चाशनी को चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कटोरी में पानी लिया है। अब पानी के अंदर चाशनी की कुछ बूंदे डालेंगे और इसको अंगुली से इकट्ठा करके और उठा लेंगे। ये देखिए, चाशनी हमारी बहुत पतली है और हमें यहाँ पे टाइट चाशनी बना के तैयार करनी है ताकि चाशनी हमारी यहाँ पे पतासे की तरह टूटे। अभी यहाँ पे चाशनी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, अभी हमारी चाशनी नहीं पकी है। अब चाशनी को फिर से चेक कर लेते हैं। पानी में कुछ बूंदे डालेंगे ये देखिए, चाशनी हमारी परफेक्ट बनके तैयार है। सोन पापड़ी के लिए हमें ऐसी चाशनी चाहिए। चाशनी के अंदर पीला रंग का फूड कलर डाल रही हूँ। चाशनी हमारी बनकर तैयार है। अब चाशनी को निकालने के लिए मैंने यहाँ पे नॉन स्टिक पैन लिया है। पैन को मैंने घी से अच्छे से चिकना कर लिया है। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो नॉन स्टिक तवा या नॉन स्टिक पैन में चाशनी डालोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें चाशनी हमारी चिपकने के कम चांस रहते हैं। अब चाशनी को हम पैन में डाल देंगे। अब चाशनी को यहाँ पर 2 मिनट के लिए ठंडा होने देते हैं। चाशनी यहाँ पर हमारी हल्की ठंडी हो गई है। अब हम चाशनी को ऊपर नीचे पलटते रहेंगे ताकि चाशनी हमारी अच्छे से डो के फॉर्म में आ जाए। ये देखिए, नॉन स्टिक पैन में डालने का ये फायदा है कि चाशनी हमारी बिल्कुल भी चिपक नहीं रही है। चाशनी को हमें इस प्रकार खींचते रहना है।
ये देखिए चाशनी का कलर चेंज हो गया है, चाशनी हमारी गोल्डन ब्राउन दिखने लग गई है। चाशनी को हमें इस प्रकार 20 से 25 बार खींचना है। ये देखिए अब हम यहाँ पर इसका एक रिंग बना लेंगे। ये देखिए रिंग बन के तैयार है। अब चाशनी को मैदा और बेसन के अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा मैदा और बेसन का मिश्रण डालेंगे और फिर इसको ऐसे खींचेंगे। अब सबसे मेन बात है कि ये हम रिंग हमारी टूटनी नहीं चाहिए। ये देखो हमें इस प्रकार 8 बनाना है, फिर थोड़ा सा डालना है, फिर खींचना है और हमें यहाँ पर इसको हल्के हाथ से खींचना है, फिर 8 बनाना है, फिर खींचना है और हमें यहाँ पर इसको बिल्कुल हल्के हाथ से खींचना है। यहाँ पर हमारे लच्छे बनने शुरू हो गए हैं। ये देखो इस प्रकार हमें चाशनी को खींचना है। चाशनी ने यहाँ पे सारा बेसन अब्सॉर्ब कर लिया है। वैसे देखा जाए तो ये टाइम टेकिंग जरूर है लेकिन आपको इसको बनाने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। हलवाई के पास और फैक्ट्री में इसका अलग से सेटअप होता है तभी उनके लिए आसान होती है। मैं इसे घर पर बना रही हूँ इसलिए यह टाइम टेकिंग है। यह देखिए कितने अच्छे रेसे बनके तैयार हुए हैं। अब हम घर में रखे ऐसी छोटी कटोरी में इसको जमा लेंगे। ज्यादा प्रेस नहीं करना है, हल्के हाथ से इसको दबाना है। थोड़ा थोड़ा मिश्रण लेंगे और इसको कटोरी में डालते जाएंगे। सोन पापड़ी हमारी सेट हो गई है। अब इसको हम निकाल के और प्लेट में रख देंगे। ये देखिए एकदम मार्केट जैसी सोन पापड़ी बनके तैयार है। ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही डिलीशियस और लाजवाब सोन पापड़ी बनके तैयार है। ये सोन पापड़ी मार्केट वाली सोन पापड़ी को फैल करने वाली है। दावे के साथ कहती हूँ इतनी सुपर डिलीशियस मिठाई आपने मार्केट में नहीं खाई होगी। आप इस वीडियो को देखकर इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा इसका टेस्ट कितना अच्छा है। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो और आपको लगा हो कि मैंने इस वीडियो में कितनी मेहनत की है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड जरूर से जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।